साथियों नमस्कार, आपका चैनल पाइपिंग एंड मैकेनिकल ज्ञान में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि डिस्टिलेशन कॉलम या टावर के मेंटेनेंस प्रोसीजर या कॉलम का शटडाउन के दौरान मेंटेनेंस कैसे किया जाता है और कॉलम का मेंटेनेंस करते समय क्या क्या टूल्स और इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है तथा मेंटेनेंस करते समय क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लाइंट यानी कि ऑपरेशन टीम वाले कॉलम को शटडाउन करने से पहले कॉलम को स्टीम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य इनर्ट गैसेस का प्रयोग करके पर्जिंग करते हैं। पर्जिंग इसलिए किया जाता है ताकि कॉलम के अंदर जो भी टॉक्सिक गैसेज हैं या हजार्ड मटेरियल हैं उनको निकाला जा सके, जिससे काम करने के दौरान हमारे शरीर को कुछ भी नुकसान न हो। और पर्जिंग करने के बाद ही क्लाइंट हमें शटडाउन या मेंटेनेंस के लिए हैंडओवर करते हैं। तो सबसे पहले हमें मेंटेनेंस करने के लिए कुछ टूल्स, टेकल्स या मटेरियल का अरेंजमेंट करना होता है। तो इन सब मटेरियल का अरेंजमेंट और प्रिकॉशन कर लेना चाहिए। जैसे कॉलम पर ब्लाइंडिंग करने के लिए कहीं कहीं इसका फोल्डिंग की आवश्यकता होती है, तो इसका फोल्डिंग का अरेंजमेंट करना। ड्राइंग या ब्लाइंड लिस्ट के अनुसार स्पेक्टिकल ब्लाइंड या स्पेड ब्लाइंड का अरेंजमेंट करना। कॉलम में वेंटिलेशन के लिए एयर कंप्रेसर, एयर होजेज, फायर होज, इजेक्टर या एग्जॉस्ट फैन, फायर एक्सटिंग्विशर, इन सब का भी अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। काम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइटिंग का अरेंजमेंट करना। ब्लाइंड करने के लिए कुछ नए स्टड बोल्ट और गैस्केट का भी अरेंज करना। कॉलम पर काम करने के दौरान सामान को ऊपर पहुँचाने के लिए पुली, रोप, टूल बैग का भी अरेंज करना। ये सब रेडी होने के बाद अब कॉलम का मेंटेनेंस करने के लिए सबसे पहले परमिट होना चाहिए और परमिट के साथ साथ जेएसए यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस या जेएचए जॉब हजार्ड एनालिसिस या सीटीआरए क्रिटिकल टास्क रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, जिसमें ये दिया रहता है कि किसी भी काम को छोटे छोटे भागों में तोड़कर हजार्ड को आइडेंटिफाई करना और उससे संबंधित प्रिकॉशन देना। ये सब प्रोसेस उसमें लिखा होता है। काम करने के लिए प्लांट में एंटर करने से पहले हमारे पास खुद की सुरक्षा के लिए पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए, जैसे हेलमेट, एफआरसी यानी कि फायर रेजिस्टेंस कवरऑल, गॉगल्स, सेफ्टी शू, ईयर प्लग, हैंड ग्लव्स, नोज मास्क इत्यादि, ये सब पीपी होना चाहिए। और फुल पीपी पहन लिए यूज होने वाले सभी टूल्स, इक्विपमेंट और मटेरियल का अरेंजमेंट कर लिया, परमिट ले लिया, अब कॉलम में सबसे पहले काम ब्लाइंडिंग का होता है। कॉलम में जो भी इनलेट और आउटलेट लाइन होगा उसको ब्लाइंड लिस्ट या ऑपरेशन टीम वाले जिस लाइन का ब्लाइंडिंग करने के लिए बोलेंगे उन सभी लाइन का ब्लाइंडिंग कर देंगे, जिससे कोई भी एनर्जी सोर्सेस कॉलम के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा और सुरक्षित हम काम कर पाएंगे। अब ब्लाइंडिंग कम्प्लीट होने के बाद कॉलम के टॉप मैन होल, सेल मैनवे या स्कर्ट मैनवे, इन सभी मैनवे को ओपन करेंगे। मैनवे ओपनिंग के बाद नेक्स्ट प्लान कॉलम के अंदर एंट्री करने का होता है, लेकिन कॉलम के अंदर एंट्री करने से पहले कॉलम का वेंटिलेशन करना होता है। और वेंटिलेशन करने के लिए कॉलम के मैनवे में इजेक्टर और एग्जॉस्ट फैन फिक्स करके एयर चालू कर देंगे। फिर एयर चालू करने के कुछ समय बाद उसमें जो भी टॉक्सिक गैसेज होंगी बाहर निकल जाएंगी। अब कॉलम का प्रॉपर वेंटिलेशन होने के बाद कॉलम का गैस टेस्ट करने के लिए ऑपरेशन टीम या गैस टेस्ट करने वाले को ऑफर करेंगे। गैस टेस्ट करने से यह पता चलेगा कि उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, हाइड्रोकार्बन कितना है, एस्टिवस गैस तो नहीं है, इसके अलावा कोई पैराफोरिक मटेरियल तो नहीं है। ये सब ओके रहा तो मैन्यू के द्वारा कॉलम के अंदर जाने के लिए कंफाइंड स्पेस एंट्री परमिट होना चाहिए। कंफाइंड स्पेस वर्क परमिट के लिए कुछ प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि जिस मैन्यू से आदमी कंफाइंड स्पेस में एंट्री करेगा उस मैन्यू के पास स्टैंड बाई मैन या होल वाचर होना चाहिए। जो कोई भी आदमी कंफाइंड स्पेस में अंदर जाता है तो या बाहर आता है तो होल वाचर कंफाइंड स्पेस एंट्री लॉक सीट में एम्प्लॉय आईडी, नाम, सिग्नेचर और टाइम के साथ नोट डाउन करता है और जो भी पर्सन अंदर गया है उसे प्रॉपर कम्युनिकेशन भी करता रहे।
तथा होल वॉचर के पास CSC यानी कि कंफाइंड स्पेस एंट्रेंट का कार्ड भी होना चाहिए। फायर वॉच भी होना चाहिए जो कंप्रेसर या DJ के पास खड़ा रहेगा। मेन्यू के पास स्कबा भी होना चाहिए, स्कबा यानी कि सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपैरेटस। फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए। कंफाइंड स्पेस के अंदर प्रॉपर लाइटिंग भी होना चाहिए। कंफाइंड स्पेस के लिए इस टाइप का ट्रबल लाइट होना चाहिए और साथ में हैंड टॉर्च भी है तो अच्छा है। कंफाइंड स्पेस के अंदर जो भी पर्सन जाएगा उसके पास गैस डिटेक्टर या गैस मॉनिटर होना चाहिए और जो कॉलम के अंदर जाएगा उसके पास कंफाइंड स्पेस ट्रेनिंग का कार्ड भी होना चाहिए। कंफाइंड स्पेस में जाने के लिए डिस्पोजल कवरोल भी होना चाहिए जिससे हमारा कपड़ा गंदा नहीं होता है। और एक और बात ध्यान देना है कि अगर कॉलम के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है तो AC वगैरह का भी अरेंजमेंट होना चाहिए। ये सब प्रिपरेशन रेडी होने के बाद परमिट इशूअर परमिट रिसीवर को कंफाइंड स्पेस में एंट्री करने का परमिट या काम करने का परमिट इशू कर देता है। अब परमिट मिलने के बाद अगर ट्रे टाइप का कॉलम है तो सबसे पहले टॉप यानी कि ऊपर का इंटरनल मैनुअल ट्रे ओपन करेंगे। अब मैनुअल ट्रे को ऊपर से खोलते हुए नीचे तक आएंगे या वर्क रिक्वायरमेंट के अनुसार जितने नंबर तक का मैनुअल ट्रे ओपन करने के लिए बोला जाएगा वहां तक ओपन करेंगे। अब मैनुअल ट्रे को ओपन करने के बाद NDT टीम यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट या इंस्पेक्शन टीम को इंस्पेक्शन करने के लिए ऑफर करेंगे। अब इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के बाद बताएगा कि कॉलम के अंदर क्या क्या मैकेनिकल वर्क करना है। जो भी बताएगा उन सभी को नोट डाउन कर लेंगे। प्री इंस्पेक्शन के बाद अब काम को शुरू कर सकते हैं। अगर इंटरनल्स को रिमूव करने का परमिशन है तो रिमूव कर सकते हैं। सारे इंटरनल्स जैसे मैनुअल ट्रे, डाउन कमर, क्लैंप, आउटलेट वेयर, ट्रे, नॉच, स्ट्रक्चर पैकिंग, डेमिस्टर पैड या कोई भी स्ट्रक्चर जो इंटरनल्स को सपोर्ट करते हैं इन सभी को रिमूव कर सकते हैं। और जब भी इंटरनल मटेरियल्स को ओपन करेंगे उससे पहले परमानेंट मार्कर से मार्किंग कर देंगे ताकि जब भी इंटरनल्स को रिफिक्स करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा और आसानी से रिफिक्स कर देंगे। और कॉलम के अंदर किसी भी लेयर का रिप्लेसमेंट करना है तो जब न्यू इंटरनल्स को इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है जिसको देखकर आसानी से फिक्स कर देते हैं। इंटरनल्स को जैसे जैसे रिमूव करते हैं सेम वैसे ही मॉकअप या व्यवस्थित करके रखते हैं जिससे लगाते समय पूरा समझ में आए कि कैसे लगाना है या इंस्टॉल करना है। किसी किसी कॉलम में डेमिस्टर पैड होता है और किसी में नहीं होता है। और डेमिस्टर पैड रिमूव करते हैं तो कंफर्म करना है कि रीयूज करना है या रिप्लेस करना है। और अगर डेमिस्टर पैड रीयूज करना है तो उसको हाइड्रोजेटिंग या स्टीम से क्लीन करते हैं। उसके बाद अच्छे से साफ होने के बाद इंस्पेक्शन करवाते हैं। इंस्पेक्शन के बाद इंस्पेक्टर बताएगा कि उसका क्या करना है, उसके हिसाब से काम करते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर पाइप रिमूव करते हैं तो उसको चेक करते हैं कि कहीं चौक तो नहीं है, अगर चौक है तो उसको क्लीन करना है और अगर क्रैक या खराब है तो उसको चेंज करना है। इंटरनल्स को रिमूव करने के बाद अगला काम कॉलम का सेल के इंटरनल्स सरफेस या वेल्डिंग ज्वाइंट को स्क्रैपर या वायर ब्रश या बफिंग के द्वारा बफिंग करके क्लीन करते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन करवाते हैं। इंस्पेक्शन के बाद जैसे ही इंस्पेक्शन क्लियरेंस मिलता है उसके बाद जो भी इंटरनल्स हम निकालेंगे उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद रिफिक्स या खराब है तो रिप्लेसमेंट करेंगे। और कॉलम के सेल के आउटर साइड नोजल और थर्मोकपल या थर्मोवेल लगा होता है उसको भी ओपन करके चेक करेंगे कहीं चोक तो नहीं है, अगर चोक है तो उसको अच्छे से क्लीन करके रिफिक्स करेंगे। अब जो भी इक्विपमेंट या इंटरनल्स ओपन किए हैं उसका फाइनल बॉक्सअप कर सकते हैं। जब भी मैनुअल ट्रे बॉक्सअप करेंगे तो नीचे से ऊपर एक एक करके मैनुअल बंद करते जाएंगे। अगर कॉलम बड़ा ढाया का है तो उसमें 4 या 6 मैनुअल होता है जिसमें 20 से 22 लेयर होता है। और अगर कॉलम छोटा ढाया का है तो उसमें 1 या 2 मैनुअल होता है जिसमें 16 से 18 लेयर कॉलम के अंदर होता है। ये सब डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है।
जब नीचे से ऊपर बॉक्सअप करते हुए आते हैं तो क्यूसी लेयर बाई लेयर चेक करते हुए आता है, जैसे कि कोई इंटरनल पार्ट्स, क्लैम्प, बोल्ट मिसिंग तो नहीं है, मैनुअल बोल्ट प्रॉपर टाइट हुआ है कि नहीं, और हाउसकीपिंग अच्छा से प्रॉपर हुआ है कि नहीं, ये सब चेक करते हुए आता है। अब कॉलम का इंटरनल या मैनुअल ट्रे का फाइनल बॉक्सअप होने के बाद अब कॉलम का मैनुअल बॉक्सअप करेंगे, और जब भी कॉलम का मैनुअल बॉक्सअप करेंगे तो उसके रेस फेस या गैस्केट का जो एरिया होता है उसको WD-40, वायर ब्रश, स्क्रैपर और कॉटन की मदद से अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और QC या ऑपरेशन टीम से गैस्केट वगैरह का रेटिंग चेक करवा लेंगे। उसके बाद उनके देख रेख में फाइनल बॉक्सअप कर देंगे। और फाइनल बॉक्सअप होने के बाद मैनुअल का जितना टॉर्किंग वैल्यू होगा उस वैल्यू पर टॉर्किंग करवा देंगे। अब अगला स्टेप डीब्लाइंडिंग का होता है। अब डीब्लाइंडिंग करने के लिए ब्लाइंड लिस्ट के हिसाब से सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सीक्वेंस में इक्विपमेंट या लाइन का डीब्लाइंडिंग कर देंगे। अब डीब्लाइंडिंग होने के बाद जो भी कॉलम के प्लेटफॉर्म या उस कॉलम के इर्द गिर्द वेस्टेज मटेरियल हो उसको अच्छे से हाउसकीपिंग करवा देंगे। तो यही था डिस्लेशन कॉलम या टावर का मेंटेनेंस करने का प्रोसीजर। ये वीडियो हमारे कुछ एक्सपीरियंस पर्सन यानी कि जो कॉलम में काम किए हैं वो भी देख रहे होंगे। इसमें कुछ स्टेप छूट भी गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आने वाले आगे की वीडियो में और अच्छे से समझा सकूं। और कॉलम से रिलेटेड इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन और आंसर पूछे जाते हैं उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऑयल एंड गैस रिफाइनरी प्लांट, पेट्रोकेमिकल प्लांट या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट आता है मैं अपना टेलीग्राम चैनल पाइपिंग एंड मैकेनिकल ज्ञान पर अपलोड करता रहता हूँ, आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।